नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा टैली ERP9 का लेक्चर चल रहा है और आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 25 पेरोल इन टैली के बारे में। तो फ्रेंड्स, पेरोल क्या होता है? आपका सैलरी मैनेजमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए आइए हम लोग टैली में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए। आइए हम लोग टैली में चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पेरोल का टॉपिक, तो एक बार आइए पहले समझ लेते हैं कि पेरोल होता क्या है। फ्रेंड्स, पेरोल का यूज़ टैली में सैलरी मैनेजमेंट के लिए करते हैं। तो ये एक शीट बनी हुई है एक्सेल की, जो कि सैलरी शीट है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉई नेम है, बेसिक सैलरी है, डीए है, टीए है, एचआरए है, डीए फॉर डियरनेस अलाउंस, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, आईटी और नेट सैलरी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जो गवर्नमेंट पेड लोग होते हैं या जो अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, वो सभी अपनी एम्प्लॉई को बेसिक सैलरी के अलावा अलाउंसेस प्रोवाइड करती हैं। जैसे अलाउंसेज, जैसे हम लोग कहते हैं कि मकान का किराया भत्ता हो गया, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो उन अलाउंसेस को मिला के जो सैलरी प्रिपेयर होती है हमारी, वो होती है ग्रॉस सैलरी। जैसे हमने तीन अलाउंसेस यहाँ पे ले रखे हैं। आपका एक बेसिक सैलरी है, डीए है 25%, टीए है 30%, एचआर है 20%। फ्रेंड्स, ये हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड मानक होता है और कंपनी का ये डिफर करता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग हो सकता है। तो जहाँ पे भी आप वर्किंग में हैं या वर्क करेंगे, वहाँ उस कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। इसके बाद इन सबको, डीए, टीए, एचआरए और बेसिक सैलरी को जोड़ के आपका बनता है ग्रॉस सैलरी। ये आपका ग्रॉस बनेगा। ग्रॉस बनने के बाद फ्रेंड्स, ये आपको मिलेगा नहीं, इसमें से आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड, जिसको भविष्य निधि बोलते हैं, रिटायरमेंट पे जो मिलता है, ये आपका डिडक्ट होगा। और आईटी इनकम टैक्स, ये आपका इसमें से डिडक्ट होगा। ये दोनों डिडक्ट होने के बाद आपका जो रेडी होता है, वो होता है नेट सैलरी, और ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। यही कैश इन हैंड या अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है आपका, यही अमाउंट आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया सैलरी शीट के बारे में, एक डिटेलिंग मिल गई आप लोगों को। इसी को, ये एक्सेल में बना हुआ शीट है हमारा, इसी को अगर हमें टैली में करना है, जाहिर सी बात है अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी भी बनानी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ की। तो इसको टैली में करने के लिए हम लोग पेरोल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमने पीडीएफ बना रखी है। इस पीडीएफ में हम लोग, चूँकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं दो पार्ट में बनाऊँगा, या हो सकता है तीन पार्ट भी लग सकते हैं। तो पहले इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप हमने पीडीएफ बना रखे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे पार्ट वाइज इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें इसमें पेरोल को एक्टिवेट करना होता है। तो पेरोल को एक्टिवेट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। फ्रेंड्स, F11 शॉर्टकट की है, यहाँ पे प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग फीचर में चले जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लिप खुलेगी हमारी इस तरह से, मेंटेन पेरोल ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको यस कर देंगे, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको, इन दोनों ऑप्शन को फ्रेंड्स हमें यस करना है। यस करने के बाद एंटर मार के एक्सेप्ट कर देंगे, पेरोल का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही फ्रेंड्स पेरोल का ऑप्शन एक्टिवेट होगा, तो आपके सामने पेरोल इन्फॉर्मेशन का ये एक नया मेनू शो करेगा। पहले क्या था, पहले अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन शो कर रहा था, इन दोनों के बीच में पेरोल इन्फॉर्मेशन का भी एक ऑप्शन शो करने लगेगा, मेनू शो करने लगेगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका, वो होता है सबसे पहले स्टेप टू,
वर्क यूनिट क्रिएशन। हम क्या करेंगे, वर्क यूनिट क्रिएट करेंगे। वर्क यूनिट क्रिएट करने के लिए पेरोल इन्फॉर्मेशन गेटवे ऑफ टैली पे गए, पेरोल इन्फॉर्मेशन में गए, वर्क यूनिट पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे अगर कोई पर्सन ओवर टाइम कर रहा है तो उसके घंटे को और मिनट को भी हमें रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड यूनिट बनाना पड़ता है। कंपाउंड यूनिट का टॉपिक मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो फ्रेंड्स नहीं जानते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मिनट का एक यूनिट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये जीरो रहेगा मिनट में, क्योंकि मिनट से छोटा टाइम हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। इसके बाद एचआर का यूनिट बनेगा यानी और घंटे का, और एक घंटे में डेसिमल प्लेसेस दो होते हैं यानी कि हमें घंटा और मिनट दोनों रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको दो देना है। इसके बाद से तीसरा जो कंपाउंड यूनिट बनेगा यही फ्रेंड्स आपका इम्पॉर्टेंट है और यही यूज होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे यहाँ पे टाइप में, यहाँ देखिए यहाँ पे टाइप में सिंपल है, हमें टाइप में कंपाउंड लेना होगा, यहाँ पे कंपाउंड ले लेंगे। कंपाउंड लेने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम चूज करेंगे एचआर ऑफ 60 मिनट, एंटर कर देंगे, ये हमारा यूनिट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा थर्ड स्टेप आता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन। तो ये हमारा अटेंडेंस क्रिएट करने के लिए होता है कि अटेंडेंस प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ओवरटाइम है, किस तरह का है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको करने के लिए पेरोल इन्फॉर्मेशन में गए अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट, पहला प्रेजेंट बना देंगे। प्रेजेंट बनाते समय फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, ये अटेंडेंस टाइप पूछ रहा है, इसमें अटेंडेंस लीव विद पे यानी प्रेजेंट जितने भी होंगे उस पर हमें पेमेंट करना है, या लीव ऐसा जो कंपनी पेमेंट दे रही है वो भी प्रेजेंट में ही गिना जाएगा, तो उसको हम पे करेंगे। एब्सेंट लीव विदाउट पे, एब्सेंट्स पे हम पेमेंट नहीं करेंगे। ओवरटाइम, ओवरटाइम जो होता है फ्रेंड्स हमेशा प्रोडक्शन पे होता है, तो ये प्रोडक्शन ले लिया, और यहाँ पे एचआर ऑफ 60 मिनट जो यूनिट क्रिएट किया था वो आपका यूज कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स स्टेप नंबर 4 एम्प्लॉई कैटेगरी क्रिएशन। कैटेगरी क्या होता है, हमें एक कॉस्ट कैटेगरी बनानी होती है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, पेरोल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और एम्प्लॉई कैटेगरी पे जाके क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एम्प्लॉई नाम से ही एम्प्लॉई की एक कैटेगरी क्रिएट कर देंगे। फ्रेंड्स टैली के किसी किसी वर्जन में एम्प्लॉई कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आता है तो भी क्रिएट करना पड़ता है, कैसे क्रिएट करेंगे ये अगले स्टेप में आपको अभी पता चलेगा। एम्प्लॉई कैटेगरी बन गई आपकी, एम्प्लॉई कैटेगरी बनने के बाद स्टेप नंबर 5 आपका आता है एम्प्लॉई ग्रुप क्रिएशन। ये एम्प्लॉई ग्रुप क्या होता है, आपका जैसे डिपार्टमेंट्स है कंपनी में, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो सभी डिपार्टमेंट्स हमारे एम्प्लॉई ग्रुप कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एम्प्लॉई ग्रुप क्रिएट करने के लिए जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें कैटेगरी चूज करना पड़ेगा एम्प्लॉई के नाम का, तो जिसमें कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है उसमें हम इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अल्ट सी करके एम्प्लॉई की कैटेगरी बना सकते हैं सेकेंडरी एम्प्लॉई क्रिएशन में जाके। इसके बाद से हम यहाँ से ग्रुप्स बना लेंगे, तो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स बन गए। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है स्टेप नंबर 6 एम्प्लॉई क्रिएशन। अब हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉई हैं उन एम्प्लॉई की पूरी डिटेल्स हम क्रिएट कर देंगे, उनका नाम क्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देना होगा कि कैटेगरी में एम्प्लॉई आपको चूज करना है, उनका नाम, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन जो है उनका पूरा डिटेल, फादर नेम वगैरह और डेजिग्नेशन वगैरह, ये सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसीलिए लिया हुआ है कि एक एक ऑप्शन आप लोग ध्यान से करें, क्योंकि पेरोल में गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका, इस तरह से और भी बहुत सारे एम्प्लॉई बना लेंगे जितने भी एम्प्लॉई हमारी कंपनी में हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है फ्रेंड्स पे हेड क्रिएशन, पे हेड्स। पे हेड क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार आइए हम लोग ऊपर चलते हैं,
फ्रेंड्स, ये हमारे पे हेड्स हैं। जैसे आपका बेसिक सैलरी है, डीए है, टीए है, एचआरए है, ग्रॉस सैलरी है, पीएफ है, आईटी है, ये आपके पे हेड्स हैं। तो पे हेड्स फ्रेंड्स वो होते हैं, पे हेड का मतलब होता है कि वो टर्म्स जिसके हेल्प जिसके बिहाफ पे एम्प्लॉई को पेमेंट दिया जा रहा है या एम्प्लॉई से पेमेंट डिडक्ट किया जा रहा है, तो वो टर्म्स हमारे पे हेड्स कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, डीए, टीए, एचआरए बेसिक सैलरी के बिहाफ पे एम्प्लॉई को पेमेंट मिलती है, और पीएफ और आईटी के बिहाफ पे एम्प्लॉई की पेमेंट थोड़ी डिडक्ट की जाती है। तो आईटी कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी है, पीएफ भी करंट लायबिलिटी है, ये कंपनी को पे करना होता है। और बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए क्या है, ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसको आगे समझेंगे हम लोग। आइए हम लोग आगे फिर से अपने उसी स्टेप पे चलते हैं। ये आ गया पेहेड क्रिएशन। तो पेहेड क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, पेरोल इन्फॉर्मेशन पेहेड्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी यहाँ पे चीज़ें, ये जितने भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, सभी ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के लिए अर्निंग होगा, ये फिक्स होगा। इन कंपनी के लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। पे स्लिप में किस नाम से आए, बेसिक सैलरी के नाम से शो हो, और अटेंडेंस पे दिया जाएगा, और अटेंडेंस में जितनी प्रेजेंट होगी उस पे दिया जाएगा। और कैलकुलेशन पीरियड मंथ वाइज होगा, और मंथ जो हम मानेंगे वो स्टैंडर्ड, जो कैलेंडर स्टैंडर्ड होता है वो हम मानेंगे एज पर कैलेंडर पीरियड। तो ये सारे ऑप्शंस चूज करने में सावधानी रखनी है फ्रेंड्स। ये आपका बेसिक सैलरी हो गया। इसके बाद से आपका आता है डीए। तो डीए क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर दिखाया हुआ है कि बेसिक सैलरी पे ही आपका डीए, टीए, एचआरए कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ पे डीए डियरनेस अलाउंस, डीए अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, ये वेरिएबल होगा, नीचे ऊपर होता रहता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ध्यान देना है कैलकुलेशन टाइप में आपको लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, और कैलकुलेशन पीरियड में मंथ ही रहेगा, मंथ वाइज कैलकुलेट होगा। एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम ले लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, क्योंकि हमें क्या करना है, फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अब हमें फ्रेंड्स स्लैब देना है। यहाँ पे हमने स्लैब दे दिया कि 25,000 पे 5%, 25,000 से 35,000 के बीच में 10%, 35,000 से जिनका ऊपर है उनका 15% आपका डीए कैलकुलेशन हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा टीए, टीए सेम एज डीए क्रिएट होगा, पूरा का पूरा सारी डिटेल्स वही है देखिए। और यहाँ पे स्लैब आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये कंपनी के अकॉर्डिंग है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, इसका भी पूरा डीए की तरह से ही है, सारा का सारा स्लैब वही है। इसके बाद से आपका फ्रेंड्स आता है पीएफ, ये चेंज होगा। पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होता है, यानी एम्प्लॉई में से डिडक्ट किया जाता है, और जब डिडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी में जाएगा, जो कि रिटायरमेंट पे दिया जाता है एम्प्लॉई को। और एज कंप्यूटेड वैल्यू ये भी होगा, मंथ वाइज कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑन करेंट अर्निंग टोटल, जैसे हमने कहा था कि ग्रॉस सैलरी से पीएफ और आईटी कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे अर्निंग टोटल यानी कि जितनी उनकी ग्रॉस सैलरी बनेगी उसमें से हम पीएफ डिडक्ट करेंगे, और यहाँ पे स्लैब दे दिया। इसके बाद फ्रेंड आपका आईटी होता है इनकम टैक्स, ये भी सेम पीएफ की तरह से ही होता है, सारी डिटेल्स वही होती है, क्योंकि ये भी डिडक्शन होता है। और इसके बाद आपका स्टेप 8 आता है, सैलरी डिटेल्स क्रिएशन। तो फ्रेंड्स पेहेड क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर देते हैं कि इसको कौन कौन से अलाउंसेस मिलने हैं, बेसिक सैलरी कितनी है, ये सारी डिटेल असाइन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सैलरी डिटेल क्रिएट करने के लिए अगेन हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, पेरोल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, सैलरी डिटेल्स पे जाएंगे और डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद यहाँ से हम चूज कर लेंगे उस
इम्प्लॉय का नाम जिसकी सैलरी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हमने इम्प्लॉय ले ली राम सिंह जो हमने बना रखा था। इसके बाद यहाँ पे हम चूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, कौन से कब से इनकी ज्वाइनिंग है या कौन से महीने की सैलरी बनाई जा रही है। यहाँ पे बेसिक सैलरी हमने ले लिया 45,000 पर मंथ होगा और ये अर्निंग फॉर इम्प्लॉय ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस जितनी रहेगी उस पर इनको मिलेगा। डीए अर्निंग फॉर इम्प्लॉय एज कंप्यूटेड वैल्यू बेसिक सैलरी पे कंप्यूट होगा। टीए अर्निंग फॉर इम्प्लॉय कंप्यूटेड वैल्यू बेसिक सैलरी पे कंप्यूट होगा। एचआरए ये भी बेसिक सैलरी पे कंप्यूट होगा। आईटी और पीएफ ये क्या है, डिडक्शन फ्रॉम इम्प्लॉय, डिडक्शन फ्रॉम इम्प्लॉय ये भी एज कंप्यूटेड है बट ऑन करेंट अर्निंग टोटल पे कंप्यूट होगा। ये आपका फ्रेंड्स स्टेप नंबर 8 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 9 में आएंगे, यहाँ पे आपका होता है पेरोल वाउचर अल्ट्रेशन। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट लेकर चल रहा हूँ। जहाँ पे समझ में ना आया वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से फिर से उसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, ऐसे करते हुए चलेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेरोल वाउचर अल्ट्रेशन, यहाँ पे अब होता क्या है कि पेरोल का जो वाउचर है उसे हमें अल्टर करना होता है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, पेरोल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और अल्टर यूज़ करेंगे। अल्टर फ्रेंड्स होता है चीज़ों में चेंज करने के लिए, तो यहाँ से बस पेरोल को चूज करना है, पेरोल को चूज करके एंटर करते जाइए और लास्ट में नेम ऑफ क्लास यहाँ पे जो आता है यहाँ पे आपको मेंशन करना है स्टाफ सैलरी। और फ्रेंड्स जैसे स्टाफ सैलरी मेंशन करके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्किप कर जाना है एंड ऑफ लिस्ट और जब यहाँ पे कर्सर आएगा यहाँ पे आपको प्रेस करना है शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F3 जो कि सेकेंडरी लेजर क्रिएशन होता है और यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है सैलरी पेबल के नाम से। नीचे देखेंगे ये सैलरी पेबल का आपने लेजर बनाया, लेजर बनाते समय ध्यान देना है इसका अंडर करंट लाइबिलिटी होगा और एक चीज़ और ध्यान देना है यूज फॉर पेरोल यस करना है तभी ये यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आपने सैलरी पेबल का लेजर बना लिया और एंटर कर देंगे। इसके बाद लेजर बनने के बाद एंटर करेंगे फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद हम लोग फिर आगे स्टेप 10 पे आएंगे। स्टेप 10 में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब वाउचर एंट्री में जाना है और अटेंडेंस वाउचर क्रिएट करना है यानी इम्प्लॉय का अटेंडेंस क्रिएट करना है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे गए, अकाउंटिंग वाउचर में गए और अटेंडेंस वाउचर पे जाके अटेंडेंस वाउचर के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F5 शॉर्टकट की होती है, प्रेस करेंगे अटेंडेंस वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये अटेंडेंस वाउचर आ जाएगा। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है फ्रेंड, यहाँ पे डेट आपको ध्यान देना कि किस तारीख में आप अटेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो अटेंडेंस क्रिएट करते हैं और जैसे ही सैलरी मैनेजमेंट में यानी पेरोल की वर्किंग करते हैं, जैसे ही सैलरी बनाने बैठते हैं तो उनकी सैलरी बनती नहीं है, सैलरी अपीयर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे अटेंडेंस आप क्रिएट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में डेट आपकी चेंज हो जाती है और वो नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। तो अटेंडेंस तो आपने अप्रैल का क्रिएट किया है तो मई का कहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि कौन से महीने की अटेंडेंस आप बना रहे हैं। तो ये अप्रैल मंथ की अटेंडेंस है, यहाँ पे आपने चूज कर लिया मिस्टर राम सिंह प्रेजेंट 28 डेज, मिस्टर राम सिंह एब्सेंट 2 डेज, मिस्टर राम सिंह ओवर टाइम 5 आवर्स 5 घंटे। और इसके बाद आपका आता है स्टेप 11 पेरोल वाउचर। अब पेरोल वाउचर करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, वहीं पे यानी वाउचर एंट्री में ही हम कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे और कंट्रोल F4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन अपीयर होके आएगी और यहाँ से हम चूज कर लेंगे स्टाफ सैलरी। और जैसे स्टाफ सैलरी चूज करेंगे तो हमारे सामने दूसरी स्क्रीन वाउचर की, ये पेरोल वाउचर आ गया आपका यहाँ पे देखिए और ये स्क्रीन हमारी सामने अपीयर हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे इम्प्लॉय और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी शो कर रहा है, इसमें से कुछ चूज नहीं करना है, यहाँ पे तुरंत दूसरा शॉर्टकट की प्रेस करना है आपको ऑटो फिल का ऑल्ट प्लस A,
जैसे ही आप प्रेस करेंगे ऑटोफिल का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ये आपके सामने, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारे डिटेल्स हम लोग फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आपको सैलरी चूज कर लेंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। फ्रेंड्स ये अप्रैल का है, 1/4/2020 से 30/4/2020 तक होना चाहिए, बट चूंकि ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो इसमें डेट चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने एक दिन आगे की डेट ले ली है, 1/5 ले लिया है। तो यहाँ पे ये आप डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद यहाँ पे चूज कर लेंगे अपनी कैटेगरी, एम्प्लॉय बना रखा था, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चूज करेंगे और एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये पूरा का पूरा पे स्लिप अपीयर होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA, IT और PF, ये सारा का सारा डिटेल्स क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए ये सारी डिटेल्स अपीयर हो चुकी है। और इसके बाद इनका जो नेट पेबल अमाउंट बनना है ये 47,040 रुपीज़ बनना है, ये आपका पूरा डिटेल क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, पे स्लिप देखना चाहते हैं, चूंकि आप सपोज कंपनी ओनर हैं तो आप क्या करेंगे, पे स्लिप भी चाहेंगे कि टैली से ही प्रिंट हो जाए और सीधे आप पेमेंट करें और मुहर मार के दे दें साइन करके अपना, तो इसमें आप पे स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं। तो पे स्लिप देखने के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे फ्रेंड, डिस्प्ले पे जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे जाएंगे और सिंगल पे स्लिप पे जाके या मल्टीपल पे स्लिप जैसा चाहें, अगर पे स्लिप प्रिंट करना है तो सिंगल पे स्लिप ही बेटर होगा। यहाँ पे जाके एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये टैली का पूरा स्क्रीन खुल जाएगा और यहाँ पे हमारा सारा का सारा एक जैसा पे स्लिप बनता है एक्चुअल में, वो पे स्लिप शो करने लगेगा। और फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि इसका प्रिंटआउट निकल जाए, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑल्ट पी शॉर्टकट की होता है प्रिंट लेने के लिए, तो जैसे ही यहाँ पे ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे आप, तो ये आपके सामने पे स्लिप का एग्जैक्टली प्रिंटआउट निकल जाएगा जैसा पे स्लिप होता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स फिलअप किया होता तो ये भी डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो करती। तो फ्रेंड्स ऊपर ये कंपनी का नाम दिखा रहा है, पेरोल टेस्ट पे स्लिप है मई के लिए यानी अप्रैल का है, और राम एंड सिंह राम सिंह का है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स बन गई हैं इनकी, ये नेट पेबल अमाउंट है 47,040 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, अपनी सील लगानी है, मुहर लगानी है और उनको प्रिंट कर उनको दे देना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पेरोल का पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग, चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप अब रियल इन्वायरमेंट पे टैली पे करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।